दोस्तों 26 जून 2024 यानी कि आज से 2 दिन पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था कॉम्प्यू ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि जो कॉम्प्यू ऑफिस सॉफ्टवेयर है ये क्या काम आता है, यानी कि इसके अंदर अपने क्या क्या वर्क कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमें किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी होती है तो वहाँ पर हम टेली या बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो कॉम्प्यू ऑफिस सॉफ्टवेयर है तो ये सबसे ज़्यादा सीए के ऑफिस में या फिर जो टैक्स प्रोफेशनल लोग होते हैं जो आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं उनके ऑफिस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आखिरकार इस कॉम्प्यू ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर काम क्या होता है, तो इस बेसिक टॉपिक पर हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था। जो यूट्यूब की कोई पॉलिसी है उसको वॉयलेट कर रहा था जिसकी वजह से उस वीडियो को रिमूव करना पड़ा। तो लेकिन आप लोगों की एक रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही थी कि जैसा हमने इस चैनल पर टेली बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल नॉलेज हमने आप लोगों को दिए, तो उसी प्रकार हम कॉम्प्यू ऑफिस का भी हम एक पर्टिकुलर एक सीरीज़ के साथ आपको वीडियो दें जिसके अंदर हम आपको बता सकें भी सीए के ऑफिस में या जो टैक्स प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कॉम्प्यू ऑफिस को प्रैक्टिकली किस प्रकार से यूज़ करते हैं, यानी कि इसके अंदर वो किस किस प्रकार की वर्किंग करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे भी कॉम्प्यू ऑफिस के अंदर अपने टैक्स के अंदर कॉम्प्यू टैक्स के अंदर अपने पार्टी को यानी कि क्लाइंट को किस प्रकार से ऐड करते हैं। जैसा कि अपने टेली सॉफ्टवेयर में नया लेजर बनाते हैं, ग्रुप सिलेक्शन करते हैं, उसी तरीके से इससे कॉम्प्यू ऑफिस के अंदर भी हम पार्टी या क्लाइंट को ऐड करते हैं। और उससे पहले हम कुछ इसकी बेसिक जानकारी भी हम आप लोगों को बताएंगे भी इसका मेन वर्क क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने कॉम्प्यू ऑफिस को यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होते हैं। जैसे अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर अपने कोई पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा है किसी कंपनी को तो सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड मांगते हैं, उसके बाद अपने वर्किंग पे चलते हैं। तो उसी तरीके से कॉम्प्यू ऑफिस के अंदर भी हम यूजर नेम और इसका पासवर्ड लगाते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। मैंने इसको एक बार स्किप कर दिया। तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है कॉम्प्यू ऑफिस सॉफ्टवेयर का। अब कॉम्प्यू ऑफिस के अंदर आप देखोगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर की कुछ नाम है, जैसा कॉम्प्यू टैक्स, कॉम्प्यू टीडीएस, कॉम्प्यू जीएसटी, कॉम्प्यू आरओसी, कॉम्प्यू बेल, तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्यू टैक्स के कॉम्प्यू ऑफिस के अंदर में सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन होती है, लेकिन हर एप्लीकेशन का अलग अलग काम है। जैसा अगर मैंने कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन अगर हमें कोई टाइप करती है तो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई डेटाबेस तैयार करना होता है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती है फॉर्मूलों के साथ में तो अपने एक्सेल का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी होता है तो अपने पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से कॉम्प्यू ऑफिस के अंदर भी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। जैसा कि अगर हमें किसी इनकम टैक्स की रिटर्न पर्पस चाहिए तो अपने कॉम्प्यू टैक्स का यूज़ करते हैं। हमें कोई टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है तो अपने कॉम्प्यू टीडीएस का यूज़ करेंगे। जीएसटी से रिलेटेड हमें जितने भी रिटर्न फाइल करनी होती है तो उसके लिए हमें जीएसटी का यूज़ करना पड़ता है। तो इसी तरीके से हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम है। तो लेकिन सबसे पहले बेसिक बात करते हैं भी तो कॉम्प्यू ऑफिस का काम क्या है मेन। अब काम ये हो गया कि मान लीजिए आपने किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करी, टेली सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको हर मंथली जीएसटी रिटर्न तैयार करनी पड़ती है, टीडीएस टीसीएस की क्वार्टरली रिटर्न तैयार करनी पड़ती है। ईयर एंड के अंदर हम फाइनल बुक्स को फाइनल करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी तैयार करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न के पर्पज से। तो अब मान लीजिए आपने जीएसटी की रिटर्न तैयार कर ली, जीएसटी R1 आपने तैयार कर लिया, सॉफ्टवेयर ने जनरेट करके आपको दे दिया, तो आप लोग क्या करते हो उस रिटर्न को आपका जो सीए या जो टैक्स प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों को आप भेज देते हो। तो फिर सीए के ऑफिस में वो डाटा आने के बाद क्या करते हैं, वो अपने कॉम्प्यू जीएसटी के अंदर उस डाटा को सेव करते हैं और उसके बाद में उसको ऑनलाइन है जो अपलोड कर देते हैं। तो बात आएगी अपलोड कर देते हैं तो इसमें कॉम्प्यू ऑफिस का क्या रोल है। तो कॉम्प्यू ऑफिस का रोल ये भी इसके अंदर जैसे हमारे टेली सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे सप्लायर्स का या जो हमारे कस्टमर होता है उसका सेव हमेशा सेव रहता है, ये इतना गुड्स हमने आज तक इसको सेल कर दिया, इतनी पेमेंट इसके आज तक हमारे पास में आ चुकी है। तो उसी तरीके से कॉम्प्यू ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर है अलग अलग उसके अंदर क्लाइंट का जो डाटा हमेशा सेव रहता है और यहाँ पर ये जो डाटा है ये ऑनलाइन ऑटोमेटिक इसको इंपोर्ट करता है भी आपकी किसी भी टाइप की अगर कोई गलती हो चुकी है रिटर्न के अंदर। मान लीजिए कोई आपका कोई ऐसा कस्टमर है जिसका जीएसटी नंबर गलत है तो ये आपको वार्निंग करेगा,
या आपका जीएसटी नंबर गलत है, या आपने कोई इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, एक ही पार्टी के दो इनवॉइस, एक इनवॉइस यानी कि दो अलग अलग पार्टी का आप दिखा रहे हो, तो ये भी आपको वार्निंग देगा भी ये इनवॉइस आप इस पार्टी को ऑलरेडी कर चुके हो। मतलब कोई भी अगर आपकी वो मिस्टेक होती है तो ये सॉफ्टवेयर आपको उसको वार्निंग है जो उसको बताने की कोशिश करता है भी आपने ये गलतियाँ आपसे हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से इनकम टैक्स की रिटर्न अगर हम फाइल करते हैं तो ये इनकम टैक्स की रिटर्न का डाटा भी तैयार रखते हैं भी लास्ट ईयर के अंदर आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी थी उसके अंदर आपने ये इनकम दिखाई थी, इतना आपका टैक्स बना था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने इतनी इनकम दिखाई उसके अंदर आपका इतना टैक्स बना, जहाँ से हमारा ITR की कॉपी कंप्यूटेशन हमारा तैयार होता है। TDS की रिपोर्ट आपने, ये TDS है अगर मान लीजिए वो TDS के आप रिटर्न दे रहे हो तो वहाँ पर मान लीजिए कोई क्लाइंट का आपका कोई जो कस्टमर उसका पेन नंबर गलत आ रहा है या ऐसा कोई पेन नंबर है जो आधार से लिंक नहीं है तो उसकी डिटेल भी आपको ये सिंक्रोनाइज करके देगा। तो यानी कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, आपको जो गलतियाँ होती है उसको काफ़ी हद तक ये सुधारने की कोशिश भी करता है और उसको आपकी वार्निंग भी देता रहता है। तो अब अपने बात करते हैं कॉम्प्यूटैक्स के बारे में, यानी कि अगर हमें कोई इनकम टैक्स की रिटर्न अगर हमें फाइल करनी होती है तो कॉम्प्यूटैक्स का अपने यूज़ करते हैं। जैसे मैंने टैक्स पे क्लिक किया तो अभी आप पे देखोगे आप पे कोई नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम टेली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे जो नाम होते हैं सबसे पहला खाली होता है तो हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ते हैं, तो उसी तरीके से हमें हमारे यहाँ पर क्लाइंट को या हमारी पार्टी को ऐड करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर असेसमेंट ईयर भी होते हैं कि आपने जो रिटर्न फाइल करनी है कौन से असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें क्लिक करके और इसको ऐड करते हैं क्योंकि हमें ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ पर उसका स्टेटस भी सबसे पहले पूछेगा भी आप जो पार्टी ऐड कर रहे हो वो इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, कोई फर्म है, कोई AOP है या कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी है, तो ये स्टेटस सबसे पहले मैं उसको बताना पड़ता है। मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूँ तो सबसे पहले इंडिविजुअल क्लिक किया तो यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये कुछ स्टेप के अंदर हमारी ये पूरा लेज़र तैयार होता है, यानी कि पार्टी का डाटा तैयार होता है। सबसे पहले ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में इसकी कॉन्टैक्ट की डिटेल, फिर उसका एड्रेस, फिर बैंक की डिटेल। तो यानी कि चार स्टेप के अंदर ये हमारी क्लाइंट का डाटा इसके अंदर सेव रहता है। अब सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर कोड नंबर आ गया, अब कोड नंबर आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कोई दे सकते हो। जैसा हर क्लास नंबर के अंदर हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है तो वो पर्टिकुलर उस रोल नंबर के नाम से, रोल नंबर से ही वो पहचाना जाता है। जैसे हमारे जो कोई एक क्लास है उसके अंदर चार स्टूडेंट, पांच स्टूडेंट एक ही नाम से है तो काफ़ी परेशानी होती है, अभी एक को बुलाएंगे तो पाँचों आएंगे, तो इसके पर्टिकुलर उसका रोल नंबर बताया जाएगा। अभी पाँच नंबर आए तो वो पाँच नंबर रोल नंबर ही आएगा जिसका वो पाँच नंबर रोल नंबर है। तो इसी तरीके से यहाँ से भी हम उस जो हमारा क्लाइंट है उसका पर्टिकुलर हम यहाँ पे एक कोड दे सकते हैं जिससे कि हमें उसको ढूंढने में आसानी हो। जैसे उसके कोई गांव के नाम से दे दिया, कोई मोबाइल नंबर के लास्ट पांच डिजिट से दे दिया, नाम से दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया इसको भी M1 दे दिया, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप आ गया। अब ग्रुप के अंदर क्या चीज़ होता है, जैसा हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर कोई लेज़र बनाते हैं तो उसका हम ग्रुप देते हैं। जैसे हमारा कोई सप्लायर है तो उसका ग्रुप अपने सैलरी क्रेडिटर में रखते हैं, हमारा कोई कस्टमर है उसको अपने सैलरी डेबिटर में रखते हैं, कोई हमारा खर्चा है तो उसको अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं, हमारी बिजनेस की जो इनकम का अगर हम कोई लेज़र बना रहे हैं तो उसको अपने इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ से भी आप अपना एक ग्रुप बना सकते हो। अब ग्रुप बनाने का मतलब क्या बन गया, यहाँ से आप उसकी कैटेगरी बना सकते हो भी ये कोई टीचर की है या किसी स्टूडेंट की आप ITR फाइल कर रहे हो या कोई रिलेटिव की है, तो उस तरीके से यहाँ से आप ग्रुप है जो क्रिएट भी कर सकते हो यहाँ से प्लस से, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने ग्रुप का नाम भी दे सकते हो अगर आपने ऐड कर दिया तो। उसके बाद में जो आप नाम यहाँ पर अपने दे रहे हैं उसका डिजिटल सिग्नेचर से रिटर्न फाइल हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है तो आप इस पर क्लिक कर दो, अदरवाइज इसको आप नो कर दो। उसके बाद में नेम, अब नेम यहाँ पर आपको कौन सा देना है, जो आपके पास पैन कार्ड है उस पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है उसी नाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्लाइंट का नाम है जो लिख देते हैं। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम, उसके बाद में फादर्स नेम, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें देने के बाद ही हम उसको नेक्स्ट स्टेप पर अपने जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दी और मैं कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना चाहता हूँ तो ये वहाँ पे वार्निंग देगा भी कंपलसरी फील्ड आर मिसिंग, यानी कि जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिसिंग हो रही है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें देखो, कोई कंपलसरी यहाँ पर आके सीधा तो जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल का, मेल फीमेल जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये हमारी आधार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है भी, जो हमारा आधार नंबर है तो आधार नंबर वगैरह डिटेल हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार के साथ में वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे लिख देते हैं।
उसके बाद में मेन जरूरी होता है इसका पैन नंबर, ठीक है। उसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल है वो डिटेल हमें यहाँ पर बतानी होती है। जैसे अपने थोड़ा सा नीचे आएंगे उसके बाद में एमएसएमई की डिटेल वगैरह, अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है तो अगर हम एमएसएमई की डिटेल देना चाहते हो डिटेल दे सकते हो, अभी माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है। उसके बाद में बिजनेस का नेम, यानी कि अगर आपके पास ऐसी कोई शॉप है जो उसके आप रिटर्न तो आपकी इंडिविजुअली जा रही है लेकिन आप किसी शॉप के नाम से अगर आप कॉम्पिटिशन के ऊपर नाम चाहते हो तो यहाँ पर आप उसका नाम भी दे सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया अभी स्मार्ट कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, तो यहाँ से आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी में क्या होगा, जो आपने नाम दिया था वो कॉपी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर अब ये जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग है, रिटेल ट्रेडिंग है, कोई होलसेल का बिजनेस है, ठीक है, होलसेल कम रिटेल है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, कोई मतलब इम्पोर्टर है, क्या चीज़ है, ये सब कुछ आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मैंने कह दिया भी हम होलसेल रिटेल्स हैं, यानी कि हम ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं। तो उसके बाद में स्टॉक की बेच बेच क्या करती है, कॉस्ट प्राइस है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में अगर आपके पास कंपनी है जो आपने नाम यहाँ पे दिया उसकी जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर भी आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो साइनिंग की डिटेल है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो नाम के साथ, ठीक है। डेजिग्नेशन आप यहाँ पे देख सकते हो भी क्या हो, प्रोपराइटर हो, मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, क्या चीज़ हो, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद अपने चल देंगे, पेन नंबर डालना जरूरी है लेकिन मैं अभी पेन नंबर सिक्योरिटी पर्पज से इसके अंदर नहीं लिख रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ भी डालना जरूरी होता है, और क्योंकि जो लास्ट टाइम जो हमारी यूट्यूब की जो पॉलिसी वॉयलेट हुई थी वो पेन नंबर की वजह से हुई थी, इसलिए मैं पेन नंबर को भी एक बार यहाँ पर लिख नहीं रहा, लेकिन हमें एक्चुअल में लिखना जरूरी होता है। उसके बाद अपने चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल पर, तो जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल पर आ गया तो हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में सेम वही चीज़, क्या चीज़ है यहाँ पर, अकाउंटेंट हो, करता हो, मैनेजर हो, प्रोपराइटर हो, क्या चीज़ हो, तो हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर वगैरह, व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल में है वो डाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप डाटा यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। सेव कर दिया आपने, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं वापस इसको यहाँ पर एग्जिट कर रहा हूँ, और एग्जिट करने के बाद में वापस हम चलते हैं एड्रेस पे। अब एड्रेस आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा, एड्रेस का टाइप, यानी कि जो यहाँ पर आप एड्रेस बता रहे हो वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का है, आपका कोई घर का एड्रेस है, कोई बिजनेस का है, कोई प्रेजेंट एड्रेस, क्या चीज़ है, गोडाउन का, फैक्ट्री का, जो भी यहाँ पर स्टेटस आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। टाइटल आप दे सकते हो भी आपका, हेडिंग नाम वहाँ पर क्या लगा हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर स्मार्ट कंप्यूटर, फ्लैट का नंबर वगैरह आ जाएगा, जो भी एरिया आपका वो एरिया आपको डालना पड़ेगा, यानी कि जो स्टार है वो मैंडेटरी है, अदरवाइज इन सभी को आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इनकम टैक्स की रिटर्न की पर्पज से चाहिए होता है। और उसके बाद इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गया। अब उसके बाद में अगर आप अपना, जैसे ये अभी मैंने बिजनेस का एड्रेस दिया, तो इसी तरीके से अगर अपना गोदाम का, फैक्ट्री का या कोई रेजिडेंस का एड्रेस देना चाहते हो तो आप एड न्यू भी कर सकते हो, जो बना दिया डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, चेंजिंग करनी है आप इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हो। तो और सब कुछ सेव होने के बाद वापस यहाँ से हम इसको एग्जिट पे क्लिक करेंगे, और एग्जिट पे क्लिक करने के बाद वापस अपने चलते हैं बैंक की डिटेल पे। और जैसे अपने बैंक की डिटेल पे जाएंगे आप यहाँ देख सकते हो ये सारा का सारा डाटा जो हाइड हो रखा है, तो हमें एड न्यू पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में जो अकाउंट का जो फाइनेंशियल ईयर वो बताना पड़ेगा, भी अकाउंट आपका कब से रनिंग है, 2008 से है, 2008 से पहले का है और अभी तक चल रहा है। सिटी कहाँ की चल रही है, तो सिटी भी आपको डिटेल यहाँ पर बतानी पड़ेगी। वैसे आपको ये सब कुछ मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे हम यहाँ पर आईएफएससी कोड लिखेंगे तो आईएफएससी कोड से ये आपका सिटी का नाम, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, ये सब कुछ ऑटोमेटिक फिल कर देगा। आपको केवल क्या देना है, अकाउंट का नंबर यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद में जो अकाउंट का टाइप क्या चीज़ है, प्राइमरी है, जॉइंट है, उसके बाद अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है, इसके तरीके बी एस आर कोड, एम आई एस कोड, ये ऑटोमेटिक आपका ये आई एफ सी कोड से इंपोर्ट कर लेगा। तो ये सब को सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद इंटर का बैंक का नेम वगैरह आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह भी हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, अकाउंट का नंबर वगैरह भी डाल देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया, अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो मॉडिफाई, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो डिलीट है, और फिर वापस इसके अंदर हम यहाँ से करेंगे इसको एग्जिट।
और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी तैयार है। और इसके बाद हम करेंगे सेवन एग्जिट पे क्लिक। तो जैसे मैंने सेवन एग्जिट पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा जो क्लाइंट हमने ऐड किया था वो हमारा नाम इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने कॉम्पुटैक्स के अंदर जो हमारा क्लाइंट है उसको ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आएगी, अब ये हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न अगर हमें इसकी फाइल करनी है तो अब इनकम की डिटेल भी हमें इसको बतानी पड़ेगी। तो इसकी इनकम डिटेल बताने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, चाहो तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हो। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हो इनकम असेसमेंट ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 23-24, यानी कि 23-24 की डिटेल अगर आपने फिलअप है तो वो भी यहाँ पर दिखेगी। अदरवाइज जो आपने अभी 24-25 की जो हम भरेंगे वो तो आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। और उसके बाद में यहाँ पर न्यू रिज्यूम है या ओल्ड रिज्यूम है वो भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है रिटर्न फॉर्म के अंदर, इसके अंदर हमें जो हमारा इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है यूज़र आईडी और पासवर्ड वो हमें यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा। एडिट करके आप डाल सकते हो। यूज़र आईडी ऑलमोस्ट पेन नंबर होता है, जो पेन नंबर हमने जहाँ पर हमने लेज़र को ऐड किया था पार्टी को वहाँ से ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। पासवर्ड यहाँ पर आपको मैनुअली देना पड़ेगा और उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हो। उसके बाद अपने वापस चलेंगे एग्जिट पे और वापस सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद में यहाँ से आपकी जो भी बिजनेस की हेड है उस बिजनेस से इनकम से आप यहाँ से इसकी डिटेल डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी कोई सैलरी से इनकम आ रही है तो आपको सैलरी को सिलेक्ट करना है, हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, कोई बिजनेस से आ रही है, या आपकी कोई 44AD वगैरह के अंदर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से देनी होती है। हालांकि ये सब कुछ जो हमारे आने वाले वीडियो रहेंगे उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप ये सारी बातें अपने इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जैसे आगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा 26CS, TIS और AIS रिपोर्ट को इम्पोर्ट कराना। तो ये हमारा यहाँ पर जैसे अपने क्लिक करेंगे प्रीपेड टैक्स पे तो यहाँ पर ये फॉर्म 26CS, TIS, AIS की रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे अपने इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा डाटा जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक ये इम्पोर्ट कर लेगा। जो भी आपने कोई चलान भर रखा है टैक्स का तो वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिक इम्पोर्ट करेगा, आपको मैनुअली कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई डिडक्शन है ATC की, जो भी आपकी छूट लेना चाहते हो तो वहाँ आप लिख सकते हैं। इंश्योरेंस आपने कितना करा रखा है, GI वगैरह, PF वगैरह, ये सब कुछ इसके अलावा है तो अदर हम ऐड भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो काफ़ी सा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी बता सकते हो। तो इसके लिए वापस निकलने के लिए इसके अंदर ऑप्शन रहता है एग्जिट का। तो जैसे अपने एग्जिट करते हैं वापस अपने बैक आते रहेंगे और जैसे जिस पे अपने क्लिक करेंगे वहाँ से अपने इसके अंदर ऐड होते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई सैलरीज हैं तो बेसिक पे वगैरह अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप इसकी बेसिक पे वगैरह आप ही लिख सकते हो इसके अंदर, टोटल आपकी सैलरीज इनकम वगैरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और ये लिखने के बाद मैंने इसको एग्जिट पे क्लिक किया तो जो भी आपने सैलरी की इनकम डाली थी वो सैलरी की इनकम आपकी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से जो भी आप इन्फॉर्मेशन दोगे वो आपको इस कॉलम के अंदर शो होती रहेगी, कितना आपका टैक्स बना है, तो टोटल टैक्स पेबल है या कोई रिफंडेबल है, तो ये भी आपको यहाँ पर बताएगा। लेकिन ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप चाहते भी हमें इसको पर्टिकुलर एक सीरीज़ के साथ वीडियो बनाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों को भी ये कॉम्प्यू ऑफिस के बारे में भी अच्छा नॉलेज मिल सके। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।